सो है गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ विदाउट डायमंड ड्रेस कॉम्बिनेशन। अब मेरा मतलब ये है गाइस, ऐसी बंडल या फिर ऐसे कॉम्बिनेशन जो कि गाइस किसी भी डायमंड से मैंने परचेस नहीं करे हैं और गाइस वो बिल्कुल फ्री के हैं, तो उन्हीं पर मैं आपको भाई ये क्या है कॉम्बिनेशन बना के दिखाने वाला हूँ और वो कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा परफेक्ट है। ठीक है, जो गरीना मतलब फ्री में देता है उन बंडलों पर मैं आपको कॉम्बिनेशन बता के दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, अगर आपको वीडियो जरिए पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना, बाकी चैनल पर तो यार सब्सक्राइब कर देना। तो आप चलिए शुरू करते हैं यार अपन बिना किसी देरी के। सो बढ़ेंगे यार फाइनली नंबर 5 कॉम्बिनेशन की ओर। तो यहाँ पर जो मैं कॉम्बिनेशन यूज करने वाला हूँ गाइज, इसमें आपको हेयर में आपको क्या रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हेयर में गाइज आपको रखना है ये कोबाल्ट एथली का जो टोपा है, इसको आपको यूज करना है। एंड अगेन आपको आना है भाई मेरे मास्क वाले, एंड मास्क आपको बता दूँ आपको क्या रखना है। तो मास्क में आने के बाद आपको इसमें मास्क रखना है गाइज, जो हमारा ग्रीन कलर का आया था, बहुत पहले डायमंड रॉयल में आया था, गोल्ड रॉयल में आया था सॉरी, और ये बिल्कुल भाई फ्री का मास्क है और बिल्कुल बढ़िया मास्क है। ठीक है, तो इस पर गाइज एक आप दे सकते हो, जो ग्रीन कलर के जो एरो है वो मेरे को इतने ठीक ठाक नहीं लगते, लेकिन गाइज अगर आपके पास ये पूरा ब्लैक वाला है तो आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है भाई, ये टॉपअप का है, तो हम टॉपअप का जो डायमंड वाली चीज है उसको हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे विदाउट टॉपअप, तो हम इसमें यही रहने देते हैं। और बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। समय आना है अपने जैकेट वाले सेक्शन में, एंड जैकेट वाले सेक्शन में आने के बाद इसमें आपको रखना है बैंडेड जैकेट। अब वो क्यों? क्योंकि ये डायमंड की नहीं है, ये मिलता है हमें मैजिक क्यूब में। अब मैजिक क्यूब हमें दिवाली पर फिर भी देखने के लिए मिलता है, अगर आप डायमंड रोल बाउचर से स्पिन मारते हो तो भी हमें फ्री में देखने के लिए मिल जाता है। एंड अगेन आपको आना है पैंट वाले सेक्शन में, एंड पैंट में आने के बाद मैं आपको बताता हूँ पैंट आपको कौन सी रखनी है विदाउट टॉपअप। ठीक है, तो विदाउट टॉपअप में जो पैंट आती है वो आता है भाई हमारा कॉम्बाटोर, बिल्कुल बिना डायमंड किए जब आप आई डी लॉग इन करते हो नहीं तभी आपको मिल जाता है। तो आपको आना है भाई शूज वाले सेक्शन में, और शूज आपको रख लेने व्हाइट वाले, ये तो कंपलसरी है भाई आपके पास होंगे ही, क्योंकि मोस्ट भी नहीं करते तो उनके पास ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा कोबाल्ट एथलीटी बंडल है ये भी विदाउट टॉपअप है, बिना किसी डायमंड का है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने मास्क यूज करा है ये बहुत पहले गोल्ड रॉयल में आता और ये सबका फेवरेट मास्क है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने इसमें बैंडेड बंडल की जैकेट यूज करी है बिल्कुल विदाउट डायमंड कॉम्बिनेशन है, इसको आप यूज कर सकते हो बिना किसी देरी के। तो अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 4 कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, इसमें आना है भाई आपको हेड वाले सेक्शन में, एंड हेड वाले सेक्शन में आने के बाद आपको क्या यूज करना है इसमें, इसमें आपको लगाना है भाई ये ब्लैक कलर का जो है आयरन मास्क। एंड इसके बाद आपको करना है, आपको आना है भाई हमारी जैकेट वाले सेक्शन में और इसमें आपको यूज करना है बायफोर्स बंडल की जैकेट। अब ये भी मैजिक क्यूब में अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। एंड अगर आपको आना है भाई कॉम्बाट वाले पैंट से हट के आपको पैंट लगानी है, मैं पैंट बताता हूँ आपको, वो पैंट नहीं है एक अच्छा सही है, इस पैंट को आप यूज़ कर सकते हो। एंड पूरा कॉम्बिनेशन आपका रेडी हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो शूज चेंज नहीं करे हैं, शूज वही रहने दो क्योंकि हम ये कैसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं विदाउट डायमंड कॉम्बिनेशन, तो आप इस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो विदाउट डायमंड है। इसमें डायमंड का क्या है वो मेरे को बता दो। हाँ, कुछ बंदे बोलेंगे भाई शूज है तो 200 डायमंड के, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूँ जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर होते हैं, जो मैक्सिमम प्लेयर हैं चाहे वो टॉप अप करते हो या नहीं करते हो, उनके पास ये शूज आपको मिल जाएंगे। आपके पास भी होंगे भाई, कमेंट करके बताना किस किस के पास है। इस कॉम्बिनेशन को भी आप यूज कर सकते हो, काफी ज्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अब बाकी आप कमेंट करके बताओ आपको ये कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है। तो अभी बढ़ेंगे आप फाइनली नंबर 3 कॉम्बिनेशन की ओर। तो यहाँ पर जो मैं कॉम्बिनेशन यूज करने वाला हूँ इसमें आना है भाई आपको हेयर वाले सेक्शन में, एंड हेयर आपको रखने भाई हमारे मैजिक क्यूब वाले, एंड अगर आपको आना है मास्क वाले सेक्शन में। अब मास्क आपके पास कोई सा भी अच्छा मास्क हो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कॉम्बाट एथलीटी का यूज़ करूँगा, जिसका हमने अभी फर्स्ट कॉम्बिनेशन में जो है टोपा यूज़ करा था। अब आपको आना है भाई जैकेट वाले सेक्शन में, अब जैकेट में रखना है अर्थक्वेक। अब मैं मानता हूँ ये जैकेट भाई थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन भाई जो ओल्ड प्लेयर हैं जो रैंपेज इवेंट से खेले हैं उनके पास ये जैकेट होगी 100%। अब कमेंट करके बताना आपके पास है या नहीं, वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। Wow, beautiful! भाई आपके पास ये जैकेट होगी क्योंकि भाई इतनी भी पुरानी नहीं है, अभी तो गया था। एंड गाइस आपको आना है भाई अपने पैंट वाले सेक्शन में, और पैंट मैं आपको बता दूं आपको किस टाइप का पैंट रखना है, जो कि भाई ठीक ठाक लगे दिखने में भी और ओपी लगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पैंट यूज करने वाला हूँ गाइस, इसमें जो हमें बिल्कुल फ्री में मिलती है जब आप गेम स्टार्ट करते हो हर बंदे के पास, वो पैंट हमें इसमें यूज करनी है। और इस पैंट को आप देख सकते हो भाई काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, जो हमारी कॉम्बाट पैंट है जो जिसका भी हमने कॉम्बिनेशन बनाया था सेम उसी की थर्ड कॉपी है। लेकिन गाइस ये क्या है भाई, बंदे समझ जाएंगे कि यार ये वो वाली पैंट यूज कर रहा है जिसका भाई कोई मेल ही नहीं है भाई फ्री फायर में, मतलब हर कोई बंदे के पास होती है वो, कितने से नूब हो कितने ऊंचे से ऊंचा प्लेयर हो सबके पास ये पैंट है। लेकिन गाइस अपने को क्या कर रहा है, अपने को तो कॉम्बिनेशन बनाना है ना। एंड बढ़ेंगे यार फाइनली नंबर 2 कॉम्बिनेशन की ओर। तो यहाँ पर जो मैं कॉम्बिनेशन यूज करने वाला हूँ उसमें भी मैं एक हैट यूज करने वाला हूँ इस बार,
हेड वाले सेक्शन में आने के बाद गाइस इसमें आपको हेड लगाना है हमारे जोकर वाले बंडल का, एंड आपको आना है भाई हमारे जैकेट वाले सेक्शन में, एंड जैकेट में आपको लगाना है भाई हमारा फिर से बैंडेड बंडल, ठीक है। अब बैंडेड बंडल जैकेट लगाने के बाद फिर से आपको आना है भाई पैंट वाले सेक्शन में। अब भाई एक बात बताओ, आपके पास अगर जज पैंट है तो आप जज पैंट यूज़ कर सकते हो, लेकिन गाइस अगर आपके पास जज पैंट नहीं है तो आप क्या यूज़ करोगे वो उसके लिए बताता हूँ। आप एक कच्चा यूज़ कर लेना जो कि गोल्ड रॉयल में आया था अभी भाई रिसेंटली चल रहा है वो बंडल, इस बंडल का आप कच्चा लगा सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है दिखने में, वो गुड लुकिंग देता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब बाकी आप कमेंट करके बताओ आपके पास ये बंडल है या नहीं है। भाई होगा क्योंकि भाई बंडल तो बिल्कुल फ्री का है ना, आपको गोल्ड रॉयल में ईजिली भाई आसानी से मिल जाएगा। तो आप कमेंट करके बताओ आपको कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, अपन को तो एकदम ओपी लग रहा है, एकदम मस्त मक्खन। तो नाउ लिस्ट को पाउडर नंबर वन। अब नंबर वन पर मैं आपको बताता हूँ आपको जो है कैसा नो डायमंड टॉपअप कॉम्बिनेशन रखना है, ठीक है। तो अब इसमें आना है भाई आपको हेयर वाले सेक्शन में, एंड हेयर वाले सेक्शन में आने के बाद आपको जो है इस रैंक टोकन में जो अभी रिसेंटली चल रहा है उसका टोपा हमें इसमें यूज करना है, एंड आपको आना है भाई मास्क वाले सेक्शन में, एंड मास्क वाले सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर भाई ये वाला मास्क यूज़ करना है, एंड मास्क में आने के बाद आपको जैकेट में आना है, एंड जैकेट में आपको रखना है भाई ये वाली जैकेट जो कि बिल्कुल फ्री में मिली थी टोकन पे, इसका हमें जैकेट यूज़ करना है। और बाकी आप देख सकते हो भाई सब कुछ मैंने ऐसे ही रहने दिया, उसी बंडल का आपको पैंट यूज़ करना है। तो आप इस कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हो, बाकी आप कमेंट करके बताओ आपको कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। बिल्कुल बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल फ्री का ही कॉम्बिनेशन है। तो होप करता हूँ यार वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी चैनल पर तो यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।